पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया के दाई और कानून पसंद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हल्फ बरदारी के दौरान उनकी अहलिया सरीना ईसा का स्टेज पर मौजूद होना तारीख का एक शॉर्ट और स्वीट इंतकाम था। उन बिरादरान यूसुफ जैसे बरदर जजों, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और मीडिया के उन टाउटों से जिन्होंने जस्टिस ईसा और इनके अहलिया के खिलाफ मीडिया ट्रायल किया और नाकाम हुए। सरीना ईसा की स्टेज पर मौजूदगी पाकिस्तान की करोड़ों खवातीन की जदोजहद को भी एक खराज अकीदत है जो अपने हक और अपने शरीक हयात की खातिर हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहती हैं। ख्याल रहे कि जस्टिस काजी ईसा की सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बरदारी के दौरान स्टेज पर सरीना ईसा की मौजूदगी बहस का मौजू बनी हुई है, जिसे बाज लोग एक नई रिवायत के तौर पर देख रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा के हल्फ लेते हुए उनकी अहलिया के साथ खड़े होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सारफीन ने इस पर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए। किसी ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया कि ये वही सदर हैं जिन्होंने मई 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया, और कोई जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा की अहलिया के अदालती ट्रायल को याद करता नजर आता है। ये तबसरे भी किए जा रहे हैं कि चंद साल कबल जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा और सरीना ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में असासों से मुतालिक रेफरेंस की कार्रवाई के दौरान एक मुश्किल वक्त गुजारा और तब भी दोनों इसी तरह एक साथ थे, और आज जब वो पाकिस्तानी अदलिया के सरबरा बने हैं तो फिर भी दोनों साथ साथ हैं। सोशल मीडिया पर कुछ सारफीन के ख्याल में ये जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा की तरफ से बहुत वाज़े पैगाम था उन लोगों के लिए जो इन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। डॉक्टर आरिफ अलवी भी उनमें से एक हैं जिनकी मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी है, मगर ये हसीन इत्तफाक है कि माजी में जिस जज के खिलाफ उनकी मंजूरी से रेफरेंस भेजा गया वो उनसे चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ ले रहे थे। निजामी इंसाफ और पार्लियामानी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा ने हलफ लेते हुए अपनी अहलिया को साथ खड़ा करके रिवायत तोड़ी है। ताहम इन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा का ये अमल बहुत पसंद आया। उन्होंने नए चीफ जस्टिस का इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये ठोस पैगाम दिया कि खवातीन हमारी बराबर की साथी हैं और इनकी ये हैसियत तस्लीम करने की ज़रूरत है। 3 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करने वाले सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान ने लिखा कि एक खातून को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़ा होना पड़ा कि इसका शौहर एक जज था। आसमान पर बैठे जिन जजों के सामने वो कटहरे में खड़ी ऊपर देखते अपने केस लड़ रही थी, आज वो जज जमीन पर बैठे थे और वो खातून आसमान से इन्हें झाँक रही थी। एक्सपर्ट अहमद नामी सारिफ की राय में एक वक्त था कि जस्टिस ईसा की अहलिया सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने अपना मुकदमा पेश करते हुए चिल्ला उठी थी, और एक आज का दिन है कि जहां जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा चीफ जस्टिस के मनसब का हलफ उठा रहे हैं और उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी हैं। उनके मुताबिक दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि जस्टिस ईसा ने दीगर जजों को अपनी गैरत दिखाई है जो इनकी अहलिया को अदालती कार्रवाई में घसीट कर लाए थे, या फिर ये कि ये वफा है जो जस्टिस ईसा ने अपनी अहलिया के साथ दिखाई है। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने कहा कि आज चश्मे फलक ने यह नज़ारा देख लिया कि वो आरिफ अलवी जिन्होंने इमरान खान और उनके सरपरस्तों की ईमा पर जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजा था, आज उन्होंने इनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया। आम तासुर यह है कि अगर बदियाल साहब एक इंतहा थे तो जस्टिस फ़ाइज ईसा दूसरी इंतहा पर नज़र आते हैं। अब लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के उसूल चलेंगे और ज़्यादातर फैसले शख्सी की बजाय इज्तमाही तौर पर होंगे, मखसूस बेंच नहीं होंगे। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कय्यूम सदीकी का कहना था कि काजी फ़ाइज ईसा का चीफ जस्टिस बनना वाकईतन एक मौजज़ा है, क्योंकि देखा जाए तो उन पर उनके बरदर जजेस, इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की हुकूमत सब ही हमला आवर थे और मीडिया भी उसका एक हिस्सा था, क्योंकि उस वक्त काजी फ़ाइज ईसा का नाम स्क्रीन पर चलना शजरे ममनू था। जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा की अहलिया की दौरान हल्फ स्टेज पर मौजूदगी पर तबसरा करते हुए राबिया आफ्ताब लिखती हैं कि वक्त वक्त की बात है, कभी यही खातून यानी अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा अदालतों के चक्कर लगा रही थी और अदालत ट्रायल के साथ साथ मीडिया ट्रायल भी बर्दाश्त कर रही थी। कभी उनकी स्टिक का मजाक बनाया गया तो कभी चाल की नकल उतारी गई। उनका मजीद कहना था कि मैंने खुद कुछ हाजिर सर्विस अफसरों को उनकी नकल उतारते देखा है।
सहाफी नादिर गुरमानी का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लेने के दौरान अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया। काजी फाइज ईसा की अहलिया को सदारती रेफरेंस के बाद न सिर्फ FBR के चक्कर काटते बल्कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रोते हुए भी देखा। सहाफी आसिमा शिराजी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की उनकी अहलिया के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कितनी शानदार तस्वीर है और पैगाम भी। राय शाहनवाज ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उनकी अहलिया के साथ खड़े होकर हलफ लेने पर तबसरा किया कि चीफ जस्टिस की अहलिया हलफ उठाते वक्त साथ क्यों खड़ी हैं, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ की तकरीब में अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा करके अच्छी रिवायत कायम की है। इनकी अहलिया ने जिस जुर्रत और बहादुरी से इस साजिश का मुकाबला किया जिसका मकसद चीफ जस्टिस को आज के दिन से रोकना था, वो नहायत काबिल सताइश है। उनका मजीद कहना था कि बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत से नवाजता है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।